हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमवर्ड। मैं दीपेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैमवर्ड में। लास्ट लेक्चर तक हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन रेट लॉ की, ठीक है, जिसमें हमने कई तरह के रेट देखे थे, निकालना देखा था। रेट की वैल्यू अगर गिवन थी तो दूसरे जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, उसकी वैल्यू भी फाइंड करना हमने सीखा था। आज हम थोड़ा सा एक एडवांस लेवल में चलने वाले हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे एवरेज रेट लॉ की बात कर रहे थे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने उस टर्म को देखा था। जब हमने रेट लिखा था किसी भी चीज़ का तो रेट था इक्वल किसके के किसी भी कंसंट्रेशन की पावर एम और कंसंट्रेशन की पावर एन के। अब हमने इसमें बात करी थी ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी की। सपोज हमारी रिएक्शन ए ए थी, बी बी थी और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही थी, प्रोडक्ट बना रही थी। इस केस के लिए हमने बात करी थी तो क्योंकि हमने कहा था जो स्टोकियोमेट्री होती है वो पावर में आती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम प्लस एन करके हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। हो सकता है ये एम और एन ए प्लस बी के इक्वल हो और हो सकता है ये इक्वल ना भी हो, ठीक है, जितनी बात करी थी। अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलना है, हमें चलना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ की तरफ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता क्या है भाई, ये तो सब कुछ होता है एवरेज रिएक्शन के लिए, एवरेज रिएक्शन के लिए। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है, अगर हमारे पास रिएक्शन कैसी आ गई, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आ गई, जबकि हमने इसमें दूसरा वाला रेट पढ़ा था और वो क्या था, वो डीएक्स बाय डीटी के टर्म में था, ठीक है। जब dx by dt के टर्म में आएगा तो हमें इस रेट लॉ का, जो हमें रेट लॉ आया है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक नई इक्वेशन आएगी, दैट मीन्स हम किसका कर रहे हैं, रेट इक्वेशन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, जब हम टाइम लिमिट देखेंगे कि कभी प्रोडक्ट कितना बन रहा होगा किसी टाइम पे और किसी टाइम पे कितना खत्म हो जा रहा होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि मेरी जो रिएक्शन है ए ये जा रही है प्रोडक्ट में, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी, सपोज ए है, तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी होती है, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए, और प्रोडक्ट कितनी है, जीरो। लेकिन हमने रिएक्शन स्टार्ट करी आफ्टर टी टाइम देखा तो इससे क्या हुआ, कुछ एक्स प्रोडक्ट निकल गया, एक्स प्रोडक्ट इससे निकल गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गई फाइनल कंसंट्रेशन, कितनी, ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जब सबको अप्लाई करेंगे तो हम पढ़ेंगे किसमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो हम अलग अलग रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर के केस में, तो हम क्या डालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, पहले तो बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड नहीं करती किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये, या तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अदर हैंड में कह सकते हैं हम कि रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जीरो पावर के। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट होगा वो क्या होगा, के इंटू ए जीरो, ये नॉट नहीं है, जीरो है, ठीक है, ए जीरो। और जब ए जीरो होगा तो हमें पता है जब किसी की पावर
किसी बिट की भी पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ पे जो रेट होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हमें पूरा इंटीग्रेशन देखना है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन को और कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी कोई रिएक्शन है ए और वो बना रही है क्या प्रोडक्ट, ये हमने मान के चला है। अब जब हम मान के चलेंगे तो हमारे जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो कितना है, के ए टू दी पावर जीरो, यही तो है। या फिर हम रेट को कहें तो क्या है, माइनस का डी ए बाई डी टी, यही तो है। ए क्या है, कंसंट्रेशन, ए क्या है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, रेट में यही तो होता है। ये इक्वल किसके हो जाएगा, के ए टू दी पावर, और हमें पता है ए टू दी पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, और जब वन होगी तो जो डी ए बाई डी टी होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, के। तो हम डी टी को इस तरफ ले जाएं तो जाएगा माइनस का डी ए इक्वल के डी टी। अब ये डी है ए डी है, क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड में क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो d है ये हट जाएगा और यहाँ बचेगा क्या a, क्या बचेगा a बचेगा, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा, माइनस इधर भेज दो तो हो जाएगा k, और जब इसका t का रिस्पेक्ट t का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा kt। तो ओवरऑल आया क्या, kt और प्लस एक आता है इसमें इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो गया, c क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमें अब यहाँ पे अगर c की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एट t इक्वल जीरो, जब ऐसी कंडीशन जब हमारा क्या हो, टाइम क्या हो, जीरो हो, तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर जीरो, और ए टू दी पावर जीरो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। जब इनिशियल कंसंट्रेशन है हम वैल्यू इसमें पुट करने वाले हैं, इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा जो कंसंट्रेशन है टी बराबर जीरो पे, जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर जाएगा, ए टू द पावर जीरो की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड कंसंट्रेशन ए ऑन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए की जगह क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के, टी की जगह जीरो, और सी की जगह क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या रहेगा, सी। तो ओवरऑल आएगा क्या कि जो ए नॉट है वो इक्वल किसके हो जाएगा, सी के, ए नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, सी के। और जब ए नॉट सी के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब सी की जो वैल्यू है हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इंटू इक्वेशन वन, और जब इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल माइनस का के टी प्लस का ए नॉट, यही तो हुआ, सी की जगह क्या कर दिया, ए नॉट रख दिया। अब ओवरऑल यहां से अगर हम निकालें तो क्या होगा कि जब हम के टी की इक्वल निकालेंगे, के टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू आएगी आपकी क्या कि जो ए है यहां पे क्या आएगा, स्मॉल के टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए माइनस ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए नॉट माइनस ए, क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए। और यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो ये आएगा वन बाय टी, और क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या, ए नॉट माइनस ए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, ये क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट वेलोसिटी। तो ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था। तो k इक्वल क्या आ गया, 1 बाय टी, कंसंट्रेशन कौन सी, ये इनिशियल वाली और ये फाइनल वाली, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया तो हम इसको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखा सकते हैं। तो मैं इधर साफ कर दूं, तो इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे,
तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें y इक्वल एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, जहां y क्या है y एक्स, x क्या है x एक्सेस, m क्या है स्लोप और c क्या है उसका कांस्टेंट का। अब इस टर्म की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे और जब यहां से देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इस वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन कौन सी है, इस इक्वेशन को दो मान लो, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन दो से, तो इक्वेशन दो का क्या है, टू क्या है, माइनस का के टी प्लस ए नॉट। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किसके बनेगा, एक्स एक्सेस में कौन सा है टाइम और ए वाई एक्सेस में क्या है ये कंसंट्रेशन। तो जब हम टाइम के साथ में बढ़ेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, माइनस का के, ये माइनस का के क्या है स्लोप है, और जब माइनस का है तो ये क्या आएगा, ये डिक्रीज आएगा, ये कैसा आएगा, यहाँ से डिक्रीज आएगा, एक साथ डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे ये कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजमेंट वाला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो टाइम क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टाइम जीरो है, कंसंट्रेशन भी क्या है यहाँ पे जीरो है। ओवरऑल जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो टाइम जीरो है, कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो हम जब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइम जीरो कर दें, इस वाली इक्वेशन में टाइम जीरो कर दें, तो होगा क्या, जो कंसंट्रेशन है ए की वो इक्वल क्या हो जाएगी, माइनस का के इंटू जीरो और प्लस ए नॉट। तो जो ए है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए नॉट का। इसलिए यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ये क्या है, ए नॉट है, ये वैल्यू क्या है, ए नॉट, टाइम टी जीरो पर ये क्या है, ए नॉट। अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखें, अगर टाइम टी रख दें, यहाँ पे क्या है, टाइम टी है, इस पॉइंट पे टाइम टी ही तो है, यहाँ पे टाइम टी है और कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। तो जब कंसंट्रेशन जीरो है तो कौन सी वाली, ए वाली जीरो है, ये ए वाली क्या हो गई, जीरो। तो हम क्या कर देंगे, ए इक्वल क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, तो होगा क्या, जीरो इक्वल माइनस का के टी प्लस का ए नॉट। तो यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो kt टी इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे kt टी इक्वल हो गया a नॉट, तो k इक्वल हो गया क्या, a नॉट डिवाइडेड बाय t। तो ये जो यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a नॉट डिवाइडेड बाय t, ये फार्मूले कहाँ यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज होते हैं आप वहाँ से, या फिर हम t को इधर रख दें, k को इधर। टाइम अगर निकालना हो, अगर पूछा जाए कि रिएक्शन का टाइम कैलकुलेट करो, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको रेट कांस्टेंट दिया होगा और जो कंसंट्रेशन दी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, उससे आप क्या कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। इसके बाद जब इसमें बात करनी है, तो हम बात करने वाले हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ मतलब अगर आधे टाइम में देखा जाए तो रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं कौन सा, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब होता है जब टाइम इक्वल क्या हो जाता है, टी हाफ। जब टाइम इक्वल हो जाएगा टी हाफ, तो होगा क्या, आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, जब टाइम टी हाफ हुआ है तो जो कंसंट्रेशन है, जब ए नॉट होती, जब टाइम टी हो जाता था तो कंसंट्रेशन किस में पहुंच जाती थी, ए नॉट में। अब जब टाइम आधा है तो ये कंसंट्रेशन कहाँ हो जाएगी, ए नॉट बाय टू में, ठीक है। जब टाइम आधा हुआ तो ये भी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए नॉट बाय टू हो गई। और जब ए नॉट बाय टू हो गई तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ए इक्वल है क्या, माइनस का के टी और यहाँ पे क्या है, ए नॉट, यही है। अब हमें टाइम चाहिए यहाँ से, यहाँ से अगर टाइम की टर्म निकालेंगे तो के टी इक्वल क्या निकाला था हमने, ए नॉट माइनस ए। तो यहाँ से जो टी आएगा वो क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय के। अब जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करें, टी की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू पुट कर दें, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हाफ इक्वल हो जाएगा क्या, ए नॉट तो रहेगा ही, माइनस क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय ए जीरो है, नॉट नहीं है, ए नॉट बाय टू बटे के। अब यहाँ पे ए नॉट सिंगल है, यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पे इसको एक मान लें, वन मान लें, तो वन बाय टू, एक में से आधा गएगा तो कितना बचेगा, आधा, तो हो जाएगा ए नॉट या ए जीरो डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय के, ओवरऑल आ गया ए नॉट डिवाइडेड बाय टू के। तो जो टी हाफ आया, हाफ लाइफ इसके लिए आई, वो क्या आई, ए नॉट डिवाइडेड बाय टू के, ये वैल्यू किसकी आई, ये आ गई टी हाफ के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो,
कि जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। जब भी आप किसी भी जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर इस तरह का रेट इक्वेशन ड्राइव करोगे, तो पहले तो आपको रेट इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा, देन उसको अप्लाई करके आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन का टाइम का रिस्पेक्ट में ग्राफ देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको हाफ लाइफ डिराइव करना पड़ेगा। तो ये रही बात जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर की जैसे रिएक्शन से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर, वो कैसी हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे अगर कोई ए है, उस पर अगर फोटोन डाल दूँ, लाइट डाल दूँ, तो वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जो कंसंट्रेशन पे ए की डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, पहला। दूसरा जिसका बढ़िया से एग्जाम्पल है वो क्या है? डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन ऑफ HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड की सरफेस पे जब हम HI का डीकम्पोजिशन कराएंगे, दैट मीन ये HI है, 2HI ले लो और यहाँ पे गोल्ड ले लो कैटलिस्ट की तरह, तो हो जाएगा क्या? H2 और I2, ये दोनों क्या हैं? गैस फॉर्म में। जब ये डीकम्पोजिशन में जाती हैं तो यहाँ पे जिसका ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का, वो भी कैसा होता है? जीरो होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप प्रूफ कर पाओगे कि वो जीरो ऑर्डर है। इसके बाद चलते हैं हम आगे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हेडिंग डाल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन करते हो, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा किसी भी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है अगर रिएक्टेंट कई सारे हैं तो वो केवल और केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा ए जा रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, तो जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन पे। अगर मैं कहूँ कि 2A है और वो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए ए की टू पावर 2K, ये गलत हो जाएगा। जो कि रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केवल एक कंसंट्रेशन पे, दो पे नहीं, केवल एक कंसंट्रेशन पे। या फिर मैं कहूँ कि मेरी जो रिएक्शन है ए प्लस बी है प्लस सी है और ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसके लिए अगर हमें रेट लिखनी होगी तो जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या तो ए के और या तो बी के या तो सी के कंसंट्रेशन पे, किसी एक के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि ए प्रोडक्ट में जा रहा है, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम इक्वल जीरो है, T=0 है, इसकी कंसंट्रेशन ए थी और ये क्या जीरो था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई टाइम टी पे इसका ए माइनस एक्स हो गया और इसका एक्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट में कन्वर्जन है जो कि टाइम के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे रेट क्या है? कंसंट्रेशन ए पे है तो डी ए बाय डी टी और ये इक्वल होगा किसके? के कंसंट्रेशन ऑफ ए के, यही तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। और कंसंट्रेशन ए की जगह हम लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ए का वो टाइम टी पे कितना है? ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो रेट है दैट मीन्स डी ए बाय डी टी कितना है? इक्वल हो जाएगा वो किसके? या फिर मैं ये कहूँ सीधे सीधे जो रेट है वो डिपेंड करेगा किस पे? ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन पे। और जब ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? एक्स है, तो यहाँ पे माइनस का डी एक्स बाय डी टी इक्वल हो जाएगा किसके? ए माइनस एक्स के, यही तो होगा के ए माइनस एक्स के हो जाएगा। तो अब क्या करें? डी टी की टर्म को उधर ले आए, ए माइनस एक्स पे उधर ले आए, तो हो जाएगा क्या? डी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा? के डी टी। माइनस को इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर दोगे? आप इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड का, क्या कर दोगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो होगा क्या? ये हो जाएगा डी एक्स बाय ए माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? के, कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? डी टी। और जब आप इसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, तो क्योंकि ये डिवाइड वाली है तो ये वैल्यू आ जाएगी लॉन के टर्म में, ये वैल्यू किस में आएगी? लॉन के टर्म में। तो माइनस का लॉन या फिर माइनस उस साइड भेज दिया, लॉन ए माइनस एक्स, क्या है? लॉन ए माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा किसके? माइनस का के टी और प्लस का
सी, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन देखूं तो मेरी जो इक्वेशन बन रही है, सपोज मैं इक्वेशन मान लेता हूँ किसको, इक्वेशन वन इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन टू इसको मान लेता हूँ, इक्वेशन आपकी ये कौन सी हो गई, इक्वेशन थ्री हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म आई है वो किस में आई है, लोन में आई है, और हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अगर हमें सी की वैल्यू पता चल जाए तो वही करेंगे, अगर टी इक्वल जीरो है, जब टी इक्वल क्या है, जीरो है, जब टाइम इक्वल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जो कंसंट्रेशन थी वो भी क्या थी, जीरो थी। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लॉन ए माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है, जीरो, ओवरऑल इक्वल माइनस का के इंटू जीरो प्लस का सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉन ए जीरो हो गया, इक्वल ये जीरो हो गया सी, तो लॉन ए इक्वल क्या हो गया सी, या फिर कहें हम सी की वैल्यू क्या हो गई, लॉन ए, ठीक है। अब क्योंकि माइनस को इस साइड ले लो, माइनस को यही रहने दो, तो लॉन सी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉन ए। तो अब क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ सी इंटू इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे तो होगा क्या, लॉन ए माइनस एक्स तो रहेगा, इक्वल हो जाएगा माइनस का के टी रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन ए, यही तो आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, लॉन ए आ जाएगा, ठीक है। माइनस को इसी साइड में रहने दो, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस का लॉन ए आएगा, और जब माइनस का लॉन ए आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस कहाँ है, इस साइड। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी के टी की वैल्यू आएगी वो के टी इक्वल क्या आ जाएगा आपका, के टू इक्वल आ जाएगा लॉन तो रहेगा, लॉन रहेगा, और साथ में क्या है, ए माइनस एक्स, लॉन क्या है, ए माइनस एक्स। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ओवरऑल आएगा क्या, लॉन ए माइनस लॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब जब लॉन की प्रॉपर्टी लगाओगे, लॉन ए माइनस लॉन बी, तो होगा क्या, लॉन ए माइनस लॉन ए माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो क्या है, ये लॉन ए है, लॉन माइनस ए माइनस एक्स है, तो जो के टी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, लॉन, अब ऊपर क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स के, ठीक है, ये इसके टर्म में आएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो के टी इक्वल लॉन क्या है यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अब क्या करें, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 बाय टी लॉन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अब जब भी हम लॉन को, नेचुरल लॉन को या नेचुरल लॉग को लॉन लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किसका, 2.303 का, और यहाँ पे हो जाएगा k, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉन ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया आपका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अगर आप कहो कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए इक्वल क्या है, ए है, और ए माइनस एक्स इक्वल क्या है, ए नॉट है, ठीक है, क्या है ये, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी है, ए नॉट, और आफ्टर टी टाइम जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, तो ए और ए माइनस एक्स की जगह आप चेंज कर सकते हो, तो ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, इनिशियल है, और आफ्टर टी टाइम क्या है, ए नॉट, ये ए है, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, के इक्वल होगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, ये क्या है, लॉग, लॉग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, ए नॉट, और डिवाइडेड बाय ए, आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। ये क्या है आफ्टर टी टाइम का कंसंट्रेशन है, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या है फाइनल कंसंट्रेशन है आफ्टर टी टाइम का, ये टी इक्वल जीरो का है ए नॉट, और ये टी इक्वल टी टाइम का है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आगे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, हाफ लाइफ कर सकते हो, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, शेयर करने से होगा क्या कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसका लॉकडाउन में यूज भी कर पाएंगे। जैसा कि न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी 1 मंथ आपका स्कूल वैसे भी नहीं खुलने वाला, जो भी होगा जुलाई से होगा, तब तक के लिए बने रहिए कैमआउट के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी स्टे होम।